सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ गई है। आज सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो आज 25 मई है। सीबीएसई बोर्ड के देश भर के तमाम स्टेटों ने आज पूरी लिस्ट जो है सीबीएसई बोर्ड को सौंप दी। लिस्ट वाइज यानी पूरी स्टेट वाइज लिस्ट आ चुकी है कि कौन से राज्य जो है ये चाहते हैं कि परीक्षाओं को जो है कैंसिल की जाए, कौन से राज्य चाहते हैं परीक्षाओं को ऑनलाइन की जाए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ। उसी के साथ साथ देश भर में क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर सबसे बड़ा सर्वे भी किया गया है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सिंपल सवाल पूछा गया कि सीबीएसई बोर्ड जिस तरीके से कह रही है कि 6 सब्जेक्ट की परीक्षाओं को हम 4 सब्जेक्ट कर देंगे, तो क्या इससे पूरी तरीके से कोविड का खतरा कम हो जाएगा? क्या 6 सब्जेक्ट की परीक्षाएं देने से छात्र पॉजिटिव हो सकते हैं और 4 सब्जेक्ट की परीक्षाएं देने जाएंगे तो बिल्कुल सेफली तरीके से कराया जा सकता है? इसी को लेकर का सबसे बड़ा रिजल्ट भी है जो इस वीडियो में मैं आपको पेश करूंगा। वहीं अखिल भारतीय ने क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर शिक्षा मंत्री को भी लिख दिया है परीक्षाओं पे। तो 3 बड़ी अपडेट है। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के, सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर राज्य की पूरी लिस्ट आ चुकी है, जिसमें सबसे फ्रंट पर निकल के सामने आया बिहार। बिहार ने कहा कि क्लास 12 की परीक्षाओं को बिना देर जो है शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन जो है उन्होंने लिखित रूप में क्या कहा, लिखित रूप में कहा कि क्लास 12 की परीक्षाओं को कराई जानी चाहिए लेकिन ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन। यानी कि टॉप राज्य जितने भी राज्यों के भी लिखित रूप आई है उसमें सबसे टॉप पर बिहार आया, जिन्होंने ऑनलाइन की बात जो है शिक्षा मंत्री के सामने रखी और उन्होंने कहा कि ऑफलाइन एग्जाम जो है इस कंडीशन में सही नहीं है, तो ऑनलाइन जो है सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को कराया। और नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है हरेक राज्यों के सजेशन को हाईली यानी कि पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता, हर एक राज्यों की सजेशन को सीबीएसई बोर्ड देखेगी, उसके बाद छात्रों की उनके हेल्थ को जो है टॉप प्रायोरिटी रखते हुए कोई भी डिसीजन लेगी। तो ऐसे में एग्जाम्स को लेकर बिहार का ये डिसीजन है। वहीं करें तो देश भर के तमाम राज्य यानी कि बिहार के बाद अदर राज्यों ने क्या कहा है परीक्षाओं को लेकर लिखित रूप में जो आपके शिक्षा मंत्री को भेजा है। तो सबसे बात करें तो केरला, असम, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा और मेघालय समेत राज्यों ने कहा है कि क्लास 12 की परीक्षाओं को तब तक हमें नहीं कराने चाहिए जब तक सभी सी बोर्ड के सभी क्लास 12 के छात्रों को जो है वैक्सीन नहीं लग जाती, सभी टीचरों को जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती। सेफ्टी को देखते हुए इन राज्यों ने भी ऑब्जेक्शन उठाया है क्लास 12 की परीक्षाओं को जल्द करवाने में। इन्होंने कहा है कि पहले हमें वैक्सीन को लगवाना चाहिए, सभी राज्यों में सभी बच्चों को वैक्सीन लगे तभी हम परीक्षाओं को कहेंगे कि सेफ है परीक्षाओं को कराना। अभी क्राउडिंग क्रिएट करना जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, चाहे वो परीक्षाएं आपकी 6 सब्जेक्ट की हो या 4 सब्जेक्ट की हो। अगर छात्र पॉजिटिव जो है वो ऐसा नहीं है कि 6 सब्जेक्ट में पॉजिटिव हो जाएगा और 4 सब्जेक्ट में पूरी सेफ एग्जाम हो जाएगा, यहां पे जो है बराबर यानी प्रॉपर जो है पूरी कंप्लीटली जो यहां पे भी खतरा है। पढ़ाई के दौरान किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो घबराइए नहीं, डाउटनेट है ना, आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी सिंपली एक फोटो क्लिक करिए, फोटो खींचने के बाद आपको उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए, 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा डॉटनेट पे वीडियो सॉल्यूशन। चाहे वो आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र या किसी अन्य बोर्ड का हो, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा डॉटनेट पे। क्लास 6 टू 12 के क्वेश्चन हो, आईटी जेई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो या फिर आपके क्वेश्चन फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डॉटनेट ऐप पर। साथ ही आप डॉटनेट पे पढ़िए कोटास के टॉप फैकल्टीज जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ, यानी अब आपकी हर पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डॉटनेट ऐप पे, तो आप भी डाउनलोड करिए डॉटनेट। अगर देश भर में एक सर्वे भी किया गया तो उसका भी रिजल्ट देख लीजिए। यहाँ पे सवाल सिंपल था, सवाल यही था कि सीबीएसई बोर्ड का जो असेसमेंट है 2 ऑप्शन सीबीएसई बोर्ड ने पेश किए हैं, अगर क्या इनको फॉलो किया जाएगा तो देश भर में जो परीक्षाएं है क्या सेफ तरीके से हो जाएगी, कोई भी रिस्क नहीं होगा छात्रों पे। तो यहाँ पे देखिए 85% जो है आपका वोटिंग हुई है, जिसमें साफ साफ कहना है कि ऐसा नहीं है कि ये 2 असेसमेंट को फॉलो करके जो है पूरा रिस्क देश भर में क्लास 12 के छात्रों पे खत्म हो जाएगा। यानी कि साफ साफ बात कही गई है कि चाहे 6 सब्जेक्ट की परीक्षाओं को कराइए या आप उसे के 4 भी कर देंगे तो रिस्क जो है पूरे क्लास 12 के छात्रों पे जो लाइफ का रिस्क है पूरा कंप्लीटली सेम बना रहेगा। ये रियलिटी है, गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि आप लोग 6 जो सब्जेक्ट की जगह आप लोग 4 कर रहे हैं तो ये छात्रों पे कोई एहसान नहीं कर दी जा रही है। इससे लेकर कोई छात्रों पे जो है कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी उनको रिस्क नहीं है, बराबर सेम रिस्क है। तो ये जो है पूरा पोल भी आपको बताता है। आखिरकार थर्ड एडिट की बात करें तो अखिल भारतीय ने जो है रिटेन में एजुकेशन मिनिस्टर जी को लिखा है परीक्षाओं को कंडक्ट करवाने को लेकर, जो इसमें लिखा है कि परीक्षाएं जो है ओपन बुक के माध्यम से करानी चाहिए। यानी कि बात करें तो जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज में एग्जाम होते हैं वहां पर जो है आपने ओपन बुक करवाते हैं, उसी तरीके से क्लास 12 एग्जाम्स को ओपन बुक माध्यम से भी कराना है सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा जो आपके अखिल भारतीय ने रखा है। और इससे मुझे पता है क्लास 12 के छात्रों के लिए यही वो तरीके हैं जो सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करना चाहिए। इंटरनल असेसमेंट आप लोग करिए, ऑनलाइन एग्जाम को करिए, ओपन बुक करिए, तो ये अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा, ना कि परीक्षाओं को 6 सब्जेक्ट की जगह 4 सब्जेक्ट को करके आप लोग को ये लगता है कि 4 सब्जेक्ट को कर दिया जाएगा तो सारा रिस्क खत्म हो जाएगा। कई सारे और भी लगातार अपडेट पे बने हुए हैं, तो 3 अपडेट मैंने आपको लगातार दी। तो अभी किस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।